कैप और मिड कैप में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलते हैं लीडर्स इन स्मॉलर सेक्टर्स और चैलेंजर्स इन लार्जर सेक्टर्स, वाइल लार्ज कैप में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लीडर्स इन लार्ज सेक्टर्स मिलते हैं। तो ग्रोथ के लिए अगर एक कंपनी को आप देखते हो तो वो कंपनी में आपको दो तरीके से एनालाइज करना पड़ता है कि वो कंपनी का राइट टू ग्रो क्या है और वो कंपनी में रूम टू ग्रो क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जनरली फोकस, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वी जनरली फोकस ऑन सिलेक्टिंग कंपनीज। तो इसीलिए हर बार ये आपने सुना होगा, बहुत बार कहा जाता है कि इट इज कंपनीज दैट क्रिएट द वेल्थ एंड नॉट द मार्केट्स, राइट? तो एंड हाउ द मार्केट्स ओवरऑल बिहेव, दे बिहेव मेनली ऑन दिस पॉलिसी डिसीजंस, इकोनॉमिक स्लो डाउन एटसेट्रा। तो इसीलिए आप जो बोल रहे हो, हाँ, इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस सबने पढ़े हैं पेपर में, और पर बियॉन्ड दैट व्हाइल इन्वेस्टिंग वी नीड टू गो बियॉन्ड इट। कोई भी पोर्टफोलियो में जब आप नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ाने चालू करते हो तो ओवरऑल रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो देन गोज क्लोजर टू द इंडेक्स और क्लोजर टू द बेंचमार्क, राइट? क्योंकि देन यू बिकम, योर पोर्टफोलियो बिकम्स द मार्केट, राइट? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड की बात ग्रो के साथ। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम लोग हर हफ्ते बात करते हैं इंडिया के जाने माने फंड मैनेजर से, और आपके क्वेश्चंस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो पूछते हैं इन फंड मैनेजर से और बनाते हैं आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान। आज हम बात करेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर श्रीयाश दिवालकर जी से। ये लगातार 2 साल से बेस्ट फंड मैनेजर का टाइटल जीत चुके हैं बाय मॉर्निंग स्टार। इनको 18 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। 2016 में इन्होंने एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन की और एक्सिस ब्लू चिप फंड, मिड कैप फंड। आज एक्सिस ब्लू चिप फंड इंडिया के टॉप फंड्स में से एक है जिसने लगभग 14% का CAGR डिलीवर किया है पिछले 5 सालों में। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत ही सरलता से बहुत सारे इन्वेस्टिंग के लेसन्स जो हैं यहां पे इन्होंने डिलीवर किए हैं। अब आपके ऊपर है कि वो लेसन्स आप लोग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, और सुनने के बाद उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप ग्रो के म्यूचुअल फंड चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर हफ्ते आप लोग सुन पाएं देश के चुनिंदा लीडिंग फंड मैनेजर्स को और उनके इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को समझ पाएं, ताकि आप लोग अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के डिसीजन सोच समझ के ले पाएं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं बिना किसी देरी के म्यूचुअल फंड की बात ग्रो के साथ में। आज हमारे साथ श्रीयाश दिवालकर जी। हाय श्रीयाश, वेलकम टू म्यूचुअल फंड की बात ग्रो के साथ। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू, आपने समय निकाला अपना। तो कुछ सवाल सीधा शुरू करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले मुझे जानना है कि जितने भी म्यूचुअल फंड, जितनी भी स्कीम्स जो हैं आप मैनेज करते हैं, एक ओवरऑल स्ट्रेटजी, एक ओवरऑल थॉट प्रोसेस क्या रहता है स्पेसिफिकली जो लार्ज कैप की स्कीम्स वगैरह हैं उसके लिए? एक्सिस एज अ म्यूचुअल फंड हमेशा से ही, जब से इंसेप्शन हुआ है तब से ही हमारा स्ट्रेटजी में ग्रोथ और क्वालिटी, ये स्ट्रेटजी हुआ है। तो उसमें आप अगर देखेंगे कि क्वालिटी कंपनीज क्या होती, क्वालिटी कंपनीज वो होती है जिसमें उसके, जब हम क्वालिटी बात की बात करते हैं तो उसमें दो तरीके की बात कर सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर जो क्वालिटी डिफाइन करते हैं और क्वालिटेटिव पैरामीटर जो क्वालिटी डिफाइन करते हैं। जस्ट इसमें थोड़ा सा एक समय देना चाहूंगा। क्वालिटेटिव पैरामीटर में क्या होता है कि कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, कंपनी में वैल्यू एडिशन कितना है, कंपनी का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है कि नहीं, कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना पाता है कि नहीं, एक्सपोर्ट कर पाता है कि नहीं, तो ये सब क्वालिटेटिव पैरामीटर होते हैं। तो इससे एक क्वालिटेटिव वे ऑफ आइडेंटिफाइंग कंपनी, ऑफ क्वालिटी कंपनी जिसे हम बोलते हैं, तो इस तरीके से हम एक उसको देखते हैं। दूसरी, अभी ये सब चीजें तो एक, इसलिए इसको हम क्वालिटेटिव पैरामीटर बोलते हैं, पर ये चीजों का आउटकम क्या होना चाहिए कि उसके क्वांटिटेटिव पैरामीटर भी अच्छे होने चाहिए। तो क्वांटिटेटिव पैरामीटर में जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी हो या फिर कैश फ्लो जनरेशन, FCF टू PAT, बेसिकली इससे बहुत अच्छी तरह पता चलता है कि कंपनी का क्वालिटी ऑफ अर्निंग कितना अच्छा है, कि फ्री कैश फ्लो जनरेशन टू प्रॉफिट विच इज रिपोर्टेड, तो अगर ज्यादा है तो यानी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स भी अच्छा है। तो ये सब चीजों से हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी रियली क्वालिटी है कि नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ, क्योंकि नॉर्मली एनी पॉइंट इन टाइम आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि हाँ मार्केट
में वैल्यूएशन आर फेयर, तो आपका फिर कैपिटल एप्रिसिएशन है वो किस चीज से आ सकता है, वो है ग्रोथ से। तो जो कंपनी की ग्रोथ है जो ज्यादा रहती है वो कंपनी को हम चूज करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए हमारा हमेशा से ही ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स क्वालिटी एंड ग्रोथ एज अ स्ट्रेटेजी। वो कोई भी फंड हो, वो हमारा लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, मल्टी कैप हो, स्मॉल कैप हो, यही स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं। राइट, अगर आप सही समझे तो आप कुछ एग्जांपल्स देके बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बाइंग और सेलिंग सजेशन हो, बस एक एग्जांपल हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए, अगर हम कुछ एग्जांपल दे पाए तो। तो एग्जांपल में अगर क्वालिटी और ग्रोथ को अगर कंबाइन करना चाहे तो रेदर देन अ पर्टिकुलर कंपनी, आप अगर उसे इस तरह से देखे कि कंपनी जिसे B2C कंपनी कहते हैं, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर, राइट, और दूसरी तरह की कंपनी होती है बिजनेस टू बिजनेस, हम B2B कंपनी बोलते हैं। तो नॉर्मली एक पाया जाता है कि जो बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस होते हैं उसमें, अभी अगर ये एग्जांपल ले तो आप कोई भी बिजनेस टू कंज्यूमर लीजिए, FMCG इंडस्ट्री ले लीजिए या फिर रिटेल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, तो इसमें आप ये पाएंगे कि अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद है तो जनरली कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर होती है। तो जिसे अगेन यही अगर आप देखेंगे तो ब्रांड, तो वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो गया, या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। कुछ कंपनी का प्रोडक्ट सभी को पसंद आता ही है, आप कितना भी चाहे वो प्रोडक्ट को आप रिप्लेस नहीं करते हो। तो ये चीजें जो रहती है, तो ये हो गया डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो ये चीजें आपको क्वालिटेटिव पैरामीटर ऑफ क्वालिटी में ध्यान देते हैं। क्वांटिटेटिव पैरामीटर ऑफ क्वालिटी में नॉर्मली क्या होता है कि अगेन कमिंग बैक टू B2C कंपनी, जनरली जिस कंपनी की ब्रांड अच्छी होती है, B2C कंपनी होती है, उसका क्वालिटी ऑफ अर्निंग भी ठीक ठाक ही रहता है। तो उसका फ्री कैश फ्लो अच्छा रहता है क्योंकि उनमें जनरली कैपेक्स रिक्वायरमेंट कम रहती है, उसकी वजह से कैपिटल का एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट कम रहती है, क्योंकि कैपेक्स रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है उसमें ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फ्री कैश फ्लो कम हो जाता है। तो इसीलिए जनरली आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो एक आउटकम ऐसा आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज हु आर इन B2C आर इन द क्वालिटी एंड ग्रोथ। इधर ये उल्टा बोलना पसंद नहीं करूंगा कि B2B में वो है नहीं, बट क्या होता है कि B2B में हिस्टोरिकली ये पाया गया है कि अगर कुछ आप दूसरे बिजनेस से इंटरेक्ट करते हो तो तभी बहुत बार प्राइसिंग पावर उतनी रहती नहीं है। तो वो हिसाब से B2B कंपनीज का हमने ये देखा है कि उसमें थोड़ा सा उनकी अर्निंग में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। जैसे आप अगर ले लीजिए कि रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो गया, जैसे क्रूड ऑयल बढ़ गया, तो अगर B2C कंपनी है तो वो पास ऑन कर देगी कंज्यूमर को, B2B कंपनी को फिर उनके निगोशिएट करना पड़ेगा, एक क्वार्टर लगेंगे, दो क्वार्टर लगेंगे, तो उसमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी भी आ जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आप कंपनीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। राइट, बट बहुत सारी B2B कंपनियां भी है जिन्होंने ये करके दिखाया है। वो अगेन अगर उनके पास टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएटेड है, इसीलिए वो वापस पैरामीटर आ जाता है कि डिफरेंशिएटेड वर्क अगर आप करते हो क्या, अगर वो टेक्नोलॉजी आपके पास ही है, ज्यादा लोगों के पास है, तो वो केस में ऐसे भी कस्टमर आपको सब पास ऑन करने पॉसिबल हो जाता है और उसमें भी वोलेटिलिटी कम हो जाती है। राइट, मतलब कॉमन पैरामीटर ये है कि जहाँ पे भी आपके जो कॉस्ट है अगर आप उसको पास ऑन कर पाते हैं, चाहे B2B है चाहे B2C है, तो कहीं ना कहीं आप कैश फ्लो अच्छा जनरेट कर पाएंगे। ये हाँ वन ऑफ द कॉमन पैरामीटर है। दूसरा मैं जैसे आपको बता रहा था कि कैपेक्स रिक्वायरमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं आपको ग्रो करने के लिए, तो इसीलिए ये सब चीजें रिटर्न ऑन इक्विटी में रिफ्लेक्ट होती है, ये सब चीजें फ्री कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट होती है, तो इसीलिए ये सब इंटरलिंक पैरामीटर है। राइट राइट, तो अभी जो हमने पैरामीटर डिस्कस किए क्वालिटी और ग्रोथ के, क्या हम मिड कैप सेलेक्ट करते समय भी या स्मॉल कैप वाले फंड में भी सिलेक्शन करते समय ये तो फॉलो करते हैं, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चेकलिस्ट भी हमारे पास जो मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए अलग से देखते हैं और लार्ज कैप के केस में नहीं देखते हैं? इसलिए एक्चुअली एक स्टेप हम पीछे ले जाएंगे और देखेंगे कि मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी में अंतर क्या है। सारी कंपनियां सेम ही है, तो एज फार एज फिलोसॉफी इज कंसर्न हम लोग सेम ही फिलोसॉफी फॉलो करते हैं, वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप। तो कुछ अलग देखने की जरूरत नहीं रहती है।
पर उनके नेचर ऑफ बिजनेसेस की वजह से थोड़े से अंतर पड़ जाते हैं। जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज कौन सी रहती है कि वो कंपनी का मार्केट साइज अगर बड़ा है, तो जैसे आप देखेंगे एफएमसीजी इंडस्ट्री लार्ज कैप हो गई, जैसे आप देखेंगे कि लेंडिंग एंड बोरोइंग, तो क्रेडिट इसलिए बैंक और एनबीएफसी एज ए इंडस्ट्री लार्ज कैप इंडस्ट्री होती है। आईटी सर्विसेज सेक्टर बड़ा हो गया है, पहले वो मिड कैप और स्मॉल कैप वगैरह करता होगा 20 साल पहले, पर अभी वो लार्ज कैप सेक्टर है। तो लार्ज कैप कंपनीज नॉर्मली कैसी होती है कि उनके मार्केट्स ही बहुत बड़े हैं और आपका पेनिट्रेशन हो गया है, तो उसमें आपको एक अलग तरीके से देखना पड़ता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मिड और स्मॉल कैप में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कंपनी का मार्केट ही छोटा है, तो मार्केट छोटा है तो कंपनी छोटी है, इसलिए वो कंपनी मिड कैप है। अब और दूसरी चीज ये हो सकती है कि बड़े मार्केट में अगर कोई कंपनी एफएमसीजी हो, ऑटो हो, उसमें नया कुछ प्रोडक्ट लेके नए से शुरुआत करके अगर मार्केट शेयर गेन करना चाहे तो वैसी भी कंपनी हो सकती है, तो जिसको हम चैलेंजर बोलते हैं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलते हैं लीडर्स इन स्मॉलर सेक्टर्स और चैलेंजर्स इन लार्जर सेक्टर्स, वही लार्ज कैप में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लीडर्स इन लार्ज सेक्टर्स मिलते हैं। तो ये अंतर होने के कारण ये कंपनीज में देखने का आपको नजरिया अलग अलग रखना पड़ता है और उनकी असेसमेंट भी अलग अलग करनी पड़ती है। तो उसमें इसीलिए मिड और स्मॉल में जो कि कंपनी छोटी है, तो आपको थोड़ा सा उसमें द डेप्थ ऑफ कंपनी कैसा है, द डेप्थ ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, ऐसे थोड़े थोड़े पैरामीटर आपको अलग से देखने पड़ते हैं। बट अदरवाइज ऑन अ ब्रॉडर साइड द फिलोसॉफी द मेन क्रक्स जिसे हम क्वालिटी एंड ग्रोथ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो देखने का नजरिया सेम ही रहता है। राइट ओके अच्छा ग्रोथ वर्ड पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस आपने दिया है, तो ग्रोथ को और एक लेमैन के लिए आप कैसे समझाएंगे? अगर मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर देखना चाहूं कि ग्रोथ क्या होती है और मैं कैसे जो है उसको समझ सकता हूं या कैसे मैं उसको रिसर्च कर सकता हूं एक पर्टिकुलर कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने अच्छा पूछा क्योंकि मैंने ज्यादातर क्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन किया है और ग्रोथ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ग्रोथ के लिए अगर एक कंपनी को आप देखते हो तो वो कंपनी में आपको दो तरीके से एनालाइज करना पड़ता है कि वो कंपनी का राइट टू ग्रो क्या है और वो कंपनी में रूम टू ग्रो क्या है। राइट टू ग्रो अगेन, वो कंपनी का राइट टू ग्रो कैसे हो सकता है? अगेन वी गो बैक टू सम ऑफ द पैरामीटर्स व्हिच आई डिस्क्राइब्ड इन क्वालिटी। आपका प्रोडक्ट अलग है क्या? आपका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व हो रहा है क्या? आपका मैक्रो इकोनॉमी में पोजीशन ऐसा है कि आपको ग्रोथ मिली जाएगी? तो जस्ट एग्जांपल ले लीजिए कि कोई एक्सपोर्ट कंपनी है तो चाइना प्लस वन पॉलिसी ऑफ अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड और बेसिकली कुछ कुछ कंट्रीज में जैसे लेबर का कॉस्ट बढ़ते जाता है तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब चीजें है वो आपके राइट टू ग्रो में आ जाती है। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एलिमेंट फॉर एक्सपोर्ट कंपनी। अगर कंपनी के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, उसके पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो अलग ही बात है, तो उसमें तो एनीवे द राइट टू ग्रो इज वेरी वेरी स्ट्रांग। दूसरी तो इसमें ऐसी कंपनी ग्रो ज्यादा कर पाती है। दूसरा है कि रूम टू ग्रो। अब रूम टू ग्रो में अगेन वी गो बैक टू व्हाट आई एक्सप्लेन अर्लियर अबाउट साइज ऑफ द मार्केट कितना है। तो मोस्ट सम ऑफ द मिड कैप कंपनीज में आप देखते हो कि साइज ऑफ मार्केट बहुत बड़ा रहता है पर उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर छोटा रहता है, तो दैट इज व्हाट गिव्स यू रूम टू ग्रो। तो जैसे मैं लार्ज और मिड में भी अंतर बता रहा था, जैसे लार्ज कैप में मोस्ट ऑफ द टाइम लार्जर सेक्टर्स में ऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा होता है पर छोटे सेक्टर्स में अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बड़ा होता है, तो उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास नॉर्मली रूम टू ग्रो भी बड़ी हो जाती है। तो ये दोनों चीजें पे आप फोकस करोगे तो ग्रोथ पे एक्चुअली आप फोकस कर पाओगे। जैसे जस्ट इसका एग्जांपल आप रिटेल इंडस्ट्री का पकड़ सकते हो। आपको हजारों लाखों दुकानें हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, कहीं से भी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, पर उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है और उसमें अनऑर्गेनाइज कितना है, तो देन आपका रूम टू ग्रो बढ़ जाता है। बट अगेन इफ यू आर ट्राइंग टू डू इट, तो आपके पास अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, आपका डिफरेंशिएटेड पोजीशनिंग है,
तो ही आप उसमें दो देर इज अ रूम टू ग्रो, यू विल बी एबल टू ग्रो. सो दीस थिंग्स वन नीड टू लुक इन टू इन डिटेल. क्वालिटी इन ग्रोथ के बाद मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी ऐसा देखा जा रहा है कि आईटी सेक्टर में जो है बहुत स्लो डाउन ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है आईटी सेक्टर में. जैसे आपने बताया कि B2C के अंदर भी आप उसमें समझते हैं कि उसके अंदर क्वालिटी ऑफ ग्रोथ बहुत होती है, लेकिन कंज्यूमर सेक्टर में भी ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारे एनालिस्ट बोलते हैं कि इसमें एक स्लो डाउन आने वाला है. आपके क्या थॉट्स हैं इन पे? सी अभी क्या है कि आप अगर इफ वी गो बैक जस्ट 7-8 मंथ बिफोर, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ वॉर के बाद, उसमें और ज्यादा एक्सेलरेशन आया. और ये इन्फ्लेशन शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी जो ग्रोथ के लिए फेवरेबल थी. सिंस द टाइम बिकॉज ऑफ, उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुए, तो टू कर्टेल दैट वेरियस पॉलिसी मेजर्स आर बीइंग टेकन विच इंक्लूड्स टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी. तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी आपका इंटरेस्ट रेट रिलेटेड, फिजिकल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट स्पेंड वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ. तो इसका आउटकम जनरल स्लोनेस में आ ही जाता है. और आपने अगर देखा होगा कि ऑलरेडी US में देर वॉज अ प्रिंट ऑफ निगेटिव ग्रोथ. तो द पॉइंट इज कि इसकी वजह से ग्रोथ स्लो होगी या फिर डिक्लाइन इन ग्रोथ होगी इन सम ऑफ द कंट्रीज. ये चीजें इज सपोज टू बी आउटकम ऑफ दैट. एंड इसके टॉक्स अराउंड दिस एज वेल एज द एक्सपेक्टेशंस अराउंड दिस, ये लास्ट 6-8 महीने में बिल्डअप होना शुरू हुआ. तो वो कॉन्टेक्स्ट में ये इकोनॉमिक साइकिल चलती रहती है. तो वो कॉन्टेक्स्ट में इसलिए आपने जो बोथ सेक्टर्स चूज किए और दोनों में एक्चुअली कुछ इंटर कोरिलेशन है नहीं, क्योंकि आईटी इज एक्सपोर्ट रिलेटेड स्पेशली इन यूएस एंड यूरोप, और कंजम्पशन सेक्टर इन लिस्टेड स्पेस इज मोस्टली इंडिया रिलेटेड. बट बिकॉज ऑफ दैट मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये एंड इकोनॉमिक साइकिल चेंज बिकॉज ऑफ दैट, दिस एक्सपेक्टेशन कीप ऑन गोइंग अप एंड डाउन. सो जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैरामीटर डेफिनेटली मन में रहता है. पर ये पैरामीटर के अलावा आपको इसलिए इस चीज पे फोकस करना पड़ता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है एंड ये एनवायरनमेंट में भी वो अच्छा कर जाएगी, और जब रिकवरी आएगी तब वो और बेटर बेहतर मार्केट शेयर गेन पाएगी कर पाएगी. तो ये चीजें पे फोकस करके हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल्स गो अप एंड डाउन विच इज नॉर्मल प्रोसेस एज सच. राइट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जनरली फोकस एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वी जनरली फोकस ऑन सिलेक्टिंग कंपनीज. तो इसीलिए हर बार ये आपने सुना होगा, बहुत बार कहा जाता है कि इट इज कंपनीज दैट क्रिएट द वेल्थ एंड नॉट द मार्केट्स. राइट. तो एंड हाउ द मार्केट्स ओवरऑल बिहेव, दे बिहेव मेनली ऑन दिस पॉलिसी डिसीजंस, इकोनॉमिक स्लो डाउन एटसेट्रा. तो इसीलिए आप जो बोल रहे हो, हाँ इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस सबने पढ़े हैं पेपर में, और पर बियॉन्ड दैट व्हाइल इन्वेस्टिंग वी नीड टू गो बियॉन्ड इट. अभी एक सर्वे करवाया ब्लूमबर्ग ने, और उसमें पता चला कि उसमें उन्होंने ऐसा कहा है, उस सर्वे का रिजल्ट ऐसा निकाला गया है कि देयर इज अ नेग्लिजिबल चांस ऑफ इंडिया गोइंग टू रिसेशन. आपका क्या आउटलुक है इंडियन इकोनॉमी के लिए नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में? अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें और आप अपना हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ देखें, और आई थिंक ये सब पैरामीटर्स हमें बहुत ज्ञात है कि अपना डेमोग्राफी, द पॉपुलेशन, देर आर मल्टीपल रीजंस बिकॉज ऑफ विच वी हैव बीन ग्रोइंग. एक्चुअली अर्लियर ऑल्सो देर वेर इंस्टेंसेस जहाँ पे world has gone through recession while during that time, and especially in last 20 years at that time we did well compared to others. So wo hisab se aap dekhenge to India is definitely better placed. Aap agar macroeconomic dekha dekhenge especially around GST collection ho, या फिर इवन आप अपना करेंसी देखिए तो इट हैज डन वेल कंपेयर टू मोस्ट ऑफ अदर करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज. तो मोस्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर पे इंडिया इज
has come out as much stabler. If you actually look at how we have demonstrated our strength during the crisis, which is a COVID crisis, and if you just then try to test and try to check how the companies, how the country, how the macroeconomic data has behaved during all this time, then I think we have done much better. So that's where the probability of me doing good is relatively is definitely high. और दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इंडिया का एंड एक्चुअली दैट अप्लाइज इवन वर्ल्ड वाइड ऑल्सो इट इज एक्चुअली मच मोर डीलिवरेज्ड देन अर्लियर. तो अभी सिस्टम इवन यू लुक एट वर्ल्ड ऑल्सो. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट द कंपनीज द स्ट्रेस विच दे हैव गॉन थ्रू. नॉर्मली क्या होता है कि कंपनीज जब लीवरेज रहती है तो during that time if there are some issues on demand or slowdown, then companies ka ability to sustain becomes questionable. While this time around during COVID, actually most of the sectors and companies have got deleveraged, and that's where all these things adds up. So apne ka dekho GFC jab hua tha tabhi leverage and over leverage was a trouble out there. So there are multiple such tidbits or data points one can just try to link and add up to. Then there is reasonable reason to believe that the probability is less. अच्छा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी ज्यादा एलोकेशन है एक्सिस के फंड्स की. तो क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो आप देखते हैं इस सेक्टर में जिसकी वजह से इतना ज्यादा हम लोग बुलिश रहते हैं सेक्टर के ऊपर? तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है वो एक्चुअली इकोनॉमी का बैरोमीटर रहता है. उसका ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमेशा जीडीपी के मल्टीप्लायर में चलता रहता है. अभी इस सेक्टर में भी दो तरीके के लेंडिंग होते हैं या फिर बोरोइंग होते हैं, विच एवर वे यू लुक एट इट. एक होता है रिटेल और दूसरा है कॉर्पोरेट. तो कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ ये इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. तो उसमें आप कैपेक्स साइकिल हुआ उससे ऊपर नीचे होती है या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हुआ उससे ऊपर नीचे होती है. तो वो ज्यादा इकोनॉमिक साइकिल से डिपेंड करती है. तो उसके अलावा जो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ है वो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ यानी देर इज अ रूम टू ग्रो जहाँ पे वेरियस पीपल इंडिविजुअल्स वुड वॉन्ट टू बोरो और वुड लाइक टू बोरो फॉर हाउसिंग ऑटो इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल एटसेट्रा. तो हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर अगेन लास्ट 5 से 10 साल लो तो इंडिया में रिटेल क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा हुई है. वो नॉर्मली डबल डिजिट रही है सीएजीआर बेसिस पे. तो अगर सेक्टर वाइज अगर कोई भी सेक्टर अगर डबल डिजिट सीएजीआर से ग्रो करता है तो उसमें फिर इंडिविजुअल कंपनी और इंडिविजुअल बैंक हो या एनबीएफसी हो वो ज्यादा ग्रो कर पाती है जो अच्छी तरीके से इसको अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करती है. तो इस तरीके से जनरली हम फोकस करते हैं कि रिटेल क्रेडिट ग्रोथ ड्रिवन बैंक या एनबीएफसी में फोकस किया जाए क्योंकि ये सेक्टर हैज गिवन अस वेरी गुड ग्रोथ हिस्टोरिकली. अभी जैसे आपने पहले क्वेश्चन में हाईलाइट किया था कि स्लो डाउन है कि नहीं, तो उसके अराउंड तो टॉक्स तो चलते ही रहते हैं बट अगेन द फोकस इज ऑन स्टिकिंग टू दोज हु कैन डू वेल इररिस्पेक्टिव एंड व्हेनेवर द साइकिल टर्न्स दे शुड बी एबल टू डू बेटर. तो ये थॉट प्रोसेस लेके हम असेस करके उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं. एक्सिस एएमसी के जब हम फंड्स देखते हैं जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, ये बहुत फेमस रहते हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए काफी फेमस रहते हैं फंड्स. तो कैसे हम एज कैसे मेंटेन करते हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड कैसे वो एज मेंटेन करता है कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की एक अच्छी च्वाइस में रहता है? तो एक रीजन बोलिए या एक मेन पैरामीटर बोलिए जो मैंने शुरू में बताया था कि कोई भी फंड हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, मल्टी कैप हो, फिक्स्ड कैप हो, सब सेक्टर कोई भी फंड का कोई भी कैटेगरी का द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ सिलेक्शन
इज सेम, दैट इज क्वालिटी एंड ग्रोथ एज अ फ्रेमवर्क. तो जनरली बल्क ऑफ द पोर्टफोलियो और द बल्क ऑफ द सिलेक्शन यही पैरामीटर लेके हम आगे जाते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट यू विल नोटिस दैट और यू माइट हैव नोटिस दैट द फंड्स हैव परफॉर्म्ड रिलेटिवली इन सिमिलर मैनर. तो अब इसमें मोर देन द एज वी वुड लाइक टू और एंड ट्राई टू bring in consistency in the approach and the consistency in investing approach. So trying to maintain that is important and that's what we try to do. Right. Consistency in your thought process of investing in quality and growth oriented companies. Irrespective of the fund you are selecting from the Axis house. राइट आजकल एक नए तरह के फंड्स और चल रहे हैं, क्वांट फंड्स, राइट? बड़ा इनका नाम सुनने को आ रहा है. तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो एक आम निवेशक है उसको थोड़ा सा इस पर ज्ञान दें कि क्वांट फंड्स क्या होते हैं और इनकी जो रिटर्न्स हैं इनको कैसे देखना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और इन्वेस्टर्स को बेसिकली इनको कब यूज करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में. एज द नेम सजेस्ट, फंड व्हिच इज फंडामेंटली ड्रिवन बाय क्वांट बेस्ड स्ट्रेटजी इज अ क्वांट. इसमें क्या होता है कि द स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस वो कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल पैरामीटर्स लाइक क्वालिटी, ग्रोथ, वैल्यू अलोंग विद रूल बेस्ड क्राइटेरिया रहती है. सो इसमें द फंड एम्स टू जनरेट रिटर्न्स मोर सिस्टमैटिकली एंड प्रोसेसिंग ह्यूज डेटा और ह्यूज सेट्स ऑफ डेटा टू कंस्ट्रक्ट दिस पोर्टफोलियो. और उसके लिए क्वांट बेस्ड मॉडल यूज किए जाते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये फंड का रहता है विच इज हियर यू रिड्यूस द ह्यूमन बायसेस और यू एम टू रिड्यूस योर ह्यूमन बायसेस, राइट? सो ये फंड नॉर्मली इज गुड फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ यूनिक प्रपोजिशन ऑफ अ फंडामेंटली ड्रिवन क्वांट अप्रोच एंड who are wanting to construct portfolio which has an unbiased approach towards portfolio management. तो ये एक important differentiator होता है इस fund का. और ये fund भी like any other fund is good for long term investment. So net quant based fund or normal other funds में main difference trying to be more disciplined in line with a quant-based model so that human biases can be reduced. That is the main thought process in this. Right. एक बार बार क्वेश्चन उठता है कि कितना परसेंटेज हमें अपना जो पोर्टफोलियो है वो इक्विटी में रखना चाहिए, कितना परसेंट हमें डेट में रखना चाहिए. तो आपने कोई इसका रूल ऑफ थंब आप सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, या किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं कि एलोकेशन इक्विटी और डेट में एक व्यक्ति का कितना होना चाहिए, किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है? एक्चुअली इसका आंसर सबसे मोर इम्पॉर्टेंट वो व्यक्ति के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है और वो रिस्क एपेटाइट बहुत पैरामीटर पे डिपेंड करती है विच इंक्लूड्स एज ऑफ द पर्सन, कितने उसके गोल क्या है, टारगेट्स क्या है, कब पैसा लगेगा. सो ऑल दिस थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड उस हिसाब से जनरली इक्विटी और डेट एज ए इंडिविजुअल बाई कंसल्टिंग to advisor one need to decide. As far as both asset classes are concerned, equity or debt, दोनों का obviously risk return profile अलग अलग है. तो उसमें भी थोड़ा समझ के डालना चाहिए. जैसे कि even debt side में भी as you may be aware there are risks as such as far as interest rates risk है, credit risk है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए. और इक्विटी के रिस्क तो एनीवे सबको पता ही होते हैं कि मार्केट रिस्क होती है, इंडिविजुअल कंपनी रिस्क होती है एटसेट्रा. सो नेट नेट ये दोनों असेट क्लासेस डिफरेंट है, उसका मिक्स है, वो इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. राइट, मतलब इंडिविजुअल अपना रिस्क एपेटाइट समझे और उसके हिसाब से डिसाइड करें कि मैं इक्विटी में कितना जाना चाहता हूँ और डेट में कितना जाना चाहता हूँ. एक इसका फॉलोअप क्वेश्चन ये भी है कि बहुत सारे ना थंब रूल निकले होते हैं कि एज में से वो माइनस कर दो नंबर और फिर इतना इक्विटी कर दो. तो डू यू थिंक दैट दिस इज द राइट अप्रोच?
नहीं, मेरे हिसाब से इंडिविजुअल असेसमेंट वुड बी बेटर। थंब रूल्स वैसे काम भी करते होंगे, जैसे आप जो रिफर कर रहे हो, फ्रेंकली मैंने इतना डिटेल में देखा नहीं है, पर आप इंडिविजुअल असेसमेंट करके इन्वेस्ट करना ही बेटर रहेगा। उसमें यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। अगर आप खुद से ही एक आध इक्विटी में इतना डालना है और डेट में इतना डालना है वो कर सकते हैं, या फिर मार्केट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत सारे मिक्स फंड भी ऑफर करती है जिसमें डेट इक्विटी का मिक्स रहता है। तो बेस्ड ऑन योर रिस्क असेसमेंट वन कैन चूज दोज फंड्स व्हिच आर नॉर्मली वी कॉल एज अ हाइब्रिड कैटेगरी फंड्स। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं भी जानना चाहता हूँ पर्सनली, एक आम व्यक्ति को, एक आम निवेशक को कितने फंड्स अक्रॉस दी स्कीम्स जो है वो अक्रॉस दी कैटेगरीज रखने चाहिए? क्या कोई आइडियल नंबर है, या किस तरह से वो डिसाइड करे कि मैं कितने म्यूचुअल फंड्स जो है, कितनी स्कीम्स में जो है मैं इन्वेस्ट करूँ? कितने स्कीम में इन्वेस्ट करूं, उससे आई वुड गिव मोर प्रेफरेंस टू द आंसर टू द क्वेश्चन कि आपका असेट एलोकेशन क्या है माइंड में। और वंस यू हैव दैट फाइनल असेट एलोकेशन इन माइंड, बाय हैविंग व्हाटएवर नंबर ऑफ स्कीम्स यू कैन अचीव दैट गोल। जैसे आप अगर मेरा मन में है कि इक्विटी में और डेट में मेरे आधा आधा डालना है, तो मैंने आधे इक्विटी स्कीम ले ली, आधे डेट पे स्कीम ले ली। या फिर किसी को लगता है कि नहीं, मैं आधे इक्विटी स्कीम से ज्यादा मैं कुछ एक हाइब्रिड फंड लूंगा जिस जो अपने आप से आधा आधा करता हो, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं और इसके कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। बट देन आपको हमेशा एंड रिजल्ट देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जैसे इवन इवन मल्टी असेट क्लास भी फंड रहते हैं जो मल्टीपल असेट क्लास में डालते हैं, जो डेट हो, इक्विटी हो, गोल्ड हो और कोई भी असेट क्लास हो सकता है, तो वो उसमें भी लोग डाल सकते हैं। बट देन एंड रिजल्ट देखना चाहिए, वरना क्या होता है कि आप बहुत सारे फंड्स में पैसा डाल देते हो और उसका एंड रिजल्ट क्या है वो एक ब्रॉडर पिक्चर देखना रह जाता है। ऑन स्पेसिफिकली ऑन नंबर ऑफ फंड्स, उसमें एक थियोरटिकल वे ऑफ लुकिंग ये है कि आप अगर जैसे हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी देखते हैं कि अगर एज इन अ पोर्टफोलियो, तो हमारे लिए जो एक पोर्टफोलियो में अलग अलग स्टॉक्स रहते हैं, आपके लिए इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अलग अलग स्कीम्स रहेंगे। तो कोई भी पोर्टफोलियो में जब आप नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ाने चालू करते हो तो ओवरऑल रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो देन गोज क्लोजर टू द इंडेक्स और क्लोजर टू द बेंचमार्क, राइट? क्योंकि देन यू बिकम योर पोर्टफोलियो बिकम्स द मार्केट, राइट? तो वो चीज भी एक इसमें मायने रखती है। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप इतने ही डाले या ज्यादा डाले कम डाले। मेरे हिसाब से जो आउटकम जो है इसका, कि आपने कितने भी स्कीम डाले उसका आउटकम है वो आपके मन में जो है वो हो रहा है कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ असेट एलोकेशन। अभी आपका असेट एलोकेशन सपोज हो आपके मन में कि मेरे को आधा आधा लार्ज और मिड में डालना है, या फिर लार्ज मिड स्मॉल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो एंड रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। जैसे फिर आप अगर कोई मल्टी कैप स्कीम यूज करते हो तो आपको पता है कि इसमें ये स्कीम में 50-25-25 वाला रूल होगा, या फिर आप अगर फ्लेक्सी कैप हो तो आपको उसमें वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। आप अगर दूसरा कोई स्कीम ले तो उसमें आपको पता नहीं रहेगा इसमें मिड कैप स्मॉल कैप कितना है। तो आप अगर प्योर प्ले लार्ज मिड स्मॉल लेते हो तो आपको क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ मेरा पोर्टफोलियो में इतने लार्ज कैप है, इतने मिड कैप है, इतने स्मॉल कैप है। तो इसीलिए वो एंड रिजल्ट आपके पोर्टफोलियो में, एंड रिजल्ट आपको जितने चाहिए उतने लार्ज मिड स्मॉल है कि नहीं, उस पे फोकस करना भी इम्पोर्टेंट रहेगा, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन कि बहुत सारे स्कीम्स किए। बट वो आपको फोकस वो होना चाहिए कि हाँ मैं एक्चुअली क्या पोर्टफोलियो मेरा, कितना डेट है, कितना इक्विटी है, कितना गोल्ड है, कितना लार्ज है, कितना स्मॉल है, उस पर फोकस ज्यादा करें। मतलब गोल आपके माइंड में क्लियर हो और आपका गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है आपकी इन्वेस्टिंग के थ्रू, आई थिंक दैट इज द पैरामीटर। यस राइट। अच्छा एक बात मुझे और पूछनी है, मैं ये काफी डिस्कस भी करता रहता हूँ इन्वेस्टर्स के साथ, तो कई बार हम देखते हैं कि जो बढ़िया लार्ज कैप फंड्स हैं सब में ओवरलैपिंग हो रही होती है, मतलब ऑलमोस्ट सबके पास जो है वो सेम स्टॉक्स ही हैं। अगर 3 लार्ज कैप फंड उठाएंगे तो हम उसमें शायद हो सकता है 60-70 इवन 80% तक सेम स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको उसके अंदर। तो एज अ इन्वेस्टर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हम लोग क्या देखें कि हम इस एएमसी के साथ जाएं, इस एएमसी के साथ जाएं, क्योंकि सबके लार्ज कैप फंड में अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो कैसे हम लोग जो है वो पिक करें अपना फंड? तो जनरली आप देखेंगे कि वो लार्ज हो, मिड हो, स्मॉल हो, एक्चुअली स्मॉल में शायद शायद ज्यादा इतना नहीं होगा, बट आप देखेंगे लार्ज कैप इज व्हाट, टॉप 100 स्टॉक्स, मिड कैप्स आर नेक्स्ट 150 स्टॉक्स रफली, एंड स्मॉल आर देन बियॉन्ड दैट, बट उसमें भी प्रॉब्लम लोगों के पास नेक्स्ट 200 स्टॉक्स होंगे।
तो जनरली आपको वो ओवरलैप इन अ सेंस दिखेगा, तो ऐसा नहीं होता है कि बिकॉज एवरीवन इज अराउंड अराउंड दोस। डिफरेंस कहाँ होता है कि वेटेजेस में, एक सेक्टर वेटेजेस में, इंडिविजुअल स्टॉक वेटेजेस में, इसमें इसमें आप डिफरेंस पाओगे हमेशा, और वो डिफरेंस को अप्रिशिएट करने के लिए। दूसरा चीज है कि लाइक अस वी आर द वे वी आर सेइंग क्वालिटी ग्रोथ, सो एवरी फंड हैज अ फिलोसॉफी, सो वी हैव अ फिलोसॉफी ऑफ क्वालिटी एंड ग्रोथ व्हिच टेल समथिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन कैश फ्लोज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एटसेट्रा एटसेट्रा एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। सो दैट वेदर द फंड इज सो मैरिंग ऑफ दिस टू दैट सेक्टर अलोकेशन, स्टॉक अलोकेशन, फिलोसॉफी, ये हिसाब से देख के वन कैन हैव देयर ओपिनियन ऑन विच फंड टू चूज, एंड दैट्स वेयर नॉर्मली यू वुड गेट दिस डेटा। तो एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में कि जब हम लार्ज कैप फंड्स को देखते हैं और साथ में हम लोग इंडेक्स फंड को देखते हैं, अगर मैं लॉन्ग रन में देखता हूं तो इंडेक्स फंड भी एक रिस्पेक्टेबल रिटर्न जो है वो देता है एक आम 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 निवेशक को, विद लो फीस, विद लो टैक्स बर्डन्स, और बहुत सारे और भी एडवांटेजेस निकल के आते हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं और कब हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे को इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट रखना चाहिए या इंडेक्स फंड से दूर रहना चाहिए, इंडेक्स फंड मतलब सीधे मुझे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही जाना चाहिए? तो पहली चीज ये है कि असेट एलोकेशन, दूसरा उसमें भी लार्ज मिड स्मॉल डेट इक्विटी डेट एक्सेट्रा वो है। उसके बाद अगर आप जब चूज करते हो तो उसमें एक्टिव वर्सेस पैसिव दैट डिबेट ऑलवेज कम्स इन। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड इन द डेवलप्ड मार्केट्स ऑलरेडी प्रोपेंसिटी टू बाय एक्टिव फंड्स इज इंक्रीजिंग एंड ऑलरेडी इंक्रीज्ड। इंडिया में भी आपने देखा होगा कि अच्छा फ्लोज पैसिव फंड्स में जा रहे हैं, सॉरी सो पैसिव फंड्स में प्रोपेंसिटी टू बाय इज इंक्रीजिंग, एंड इंडिया में भी अच्छे फ्लोज अभी पैसिव फ्लोज में फंड में जा रहे हैं। तो एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर द वे आई वुड लुक एट इट इज कि लाइक एनी अदर फंड आई वुड ट्रीट पैसिव फंड एज वेल। जैसे आपने आपके पहले क्वेश्चन में पूछा था कि कितने स्कीम्स होने चाहिए, तो आप जनरली क्या करते हो कि आप स्कीम्स लेते हो वॉट एवर इज द नंबर एंड देन यू ट्रैक कौन सी अच्छी कर रही है कौन सी नहीं कर रही है। सो बेस्ड ऑन दैट आउटकम अगेन द पास्ट आउटकम इज नॉट एक्चुअली इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर, बट जनरली आप एक अगर व्यू लोगे तो पैसिव फंड के तरफ ग्लोबली देर इज अ देर इज अ वेव टू टू गेट इन टू इट। इन इंडिया ऑल्सो इट इज पिकिंग अप, एंड आई डोंट थिंक उसमें कुछ ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट आंसर है कि इससे दूर रहना चाहिए या रहना चाहिए। वन शुड ट्रीट इट लाइक इज एनी अदर स्कीम विद डिफरेंट अप्रोच एंड बी पार्ट ऑफ इट, सी वेदर वेदर इट इज सेटिस्फाइंग टू यूअर और दैट एक्सपीरियंस इज सेटिस्फाइंग टू योर जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अलोकेट अकॉर्डिंगली। सो देर इज नो नो आंसर लाइक नहीं करना चाहिए या करना ही चाहिए। एक्चुअली दिस इज लाइक एनी अदर स्कीम, वन शुड लुक इन टू इट, वन शुड एक्सपीरियंस इट वेदर इट इज फिटिंग इन योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट गोल्स, वन शुड डेफिनेटली टेक इट। राइट सो अब लास्ट के दो तीन क्वेश्चंस बचे हैं मेरे पास, मैं जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ। सो इन्वेस्टर्स क्या देख मतलब इन्वेस्टर्स एक्सिस फंड में आगे क्या देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एंड स्ट्रेटजी? आई नो रिटर्न्स वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सियल हो जाता है, बट फिर भी क्या स्ट्रैटेजी हमारी क्वालिटी एंड ग्रोथ पे रहने वाली है या कुछ हम उसमें एडिशन करने वाले हैं एज पर दी सर्कमस्टांसेस, हम कुछ चेंज करने वाले हैं? तो जो फिलोसॉफी रहती है, इसलिए हम इसे फिलोसॉफी कहते हैं कि वो क्वालिटी एंड ग्रोथ है, वो है अभी ऐसी ही है, और जनरली वी टेंड टू फॉलो इट, वी हैव फॉलोड इट फॉर लास्ट मल्टीपल इयर्स सिंस इंसेप्शन एंड इट हैज डन गुड सो फार, एंड दैट एज अ फिलोसॉफी वी थिंक इज साउंड फिलोसॉफी विच वी कंटिन्यू टू फॉलो। तो उसमें जैसे हमने बताया कि क्वालिटी एंड ग्रोथ में मेन ये रहता है कि आपका जब आप फोकस करते हो कि कैश फ्लोज पे या क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स पे,
तो वोलेटिलिटी ऑफ कैश फ्लोज, वोलेटिलिटी ऑफ अर्निंग, ये चीजों पे आप फोकस करते हो. तो अकॉर्डिंगली वन नीड टू लुक एट दोज पैरामीटर्स व्हिच एक्चुअली टेंड टू गिव मोर कंफर्ट ऑन 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 हाउ द कंपनीज आउटकम वुड बी देयर ड्यूरिंग डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल. जैसे हमने देखा कि पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि इन वर्ल्ड अगर रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, उसके ऊपर डिबेट चल रहा है. तो अंडर सच वेरियस सिनारियो आपका कंपनी जो है, आपके पास जो होल्डिंग है, वो कंपनी कैसे बिहेव करेगी. अभी अगर देर इज अ रिसेशन तो सारे कंपनी को ऑब्वियसली उसमें प्रॉब्लम होगा. देर वुड बी फ्यू ऑफ देम विच कैन एक्सेलरेट द ग्रोथ ड्यूरिंग दैट टाइम. पर व्हेन यू स्टिक टू वन फिलोसॉफी देन यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू आर चूजिंग, इररेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक साइकल्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेरियस, लाइक आज जैसे वॉर हुआ, उसके रिपरकशन, देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच कीप ऑन हैपनिंग. सो इफ यू दिस काइंड ऑफ फॉलोइंग वन फिलोसॉफी कीप्स यू फोकस्ड ऑन वॉट यू वॉन्ट टू बाय, वॉट यू वॉन्ट टू बाय फॉर अ लॉन्गर टर्म एज अ इन्वेस्टमेंट, एंड दैट वी वुड लाइक टू कंटिन्यू. राइट. सो माय लास्ट क्वेश्चन इज कि आप कोई एक विजडम जो आप चाहते हैं कि हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपने साथ रखें, जो आपको लगता हो, क्योंकि आप इतने सारे इन्वेस्टर्स के साथ जो है अपने सारे इन्वेस्टर्स का फंड मैनेज करते हैं, तो आपको लगता हो कि यार ये विजडम जो है ये सबको पता होना चाहिए, ये थॉट सबको पता होना चाहिए, कुछ ऐसा आप बताना चाहते हैं इन्वेस्टर्स के लिए? तो बेसिकली इक्विटी एज असेट क्लास इज अबाउट अबाउट पेशेंस. इट इज अबाउट बीइंग लॉन्ग टर्म विद द कंपनीज, एंड पर्टिकुलरली आई एम यूजिंग द वर्ड कंपनीज बिकॉज वन ऑफ द कॉमेंट विच आई मेड दैट कंपनीज दैट क्रिएट वेल्थ एंड नॉट मार्केट्स. So investing into companies, it gives us an opportunity to participate along with the ones who are running the company in their show, and that is a good opportunity which we have. So we should look into it and look it into it in that manner. अगर आप हमेशा news flow in terms of recession, news flow in terms of war अराउंड जैसे बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमी के आते रहते हैं, आई एम नॉट सेइंग वन शुड इग्नोर दैट. ऑब्वियसली दैट डिटरमाइंस योर नियर टर्म रिटर्न. इट डेफिनेटली वन शुड नॉट इग्नोर एनी काइंड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर. बट अगर आप लॉन्ग टर्म्स देखें तो, और ये चीज पे फोकस करें कि हम ये कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये कंपनीज ओवर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स विल ग्रो, एंड इफ यू आर एंड यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ जर्नी, दैट जर्नी. सो अगर आप वो थॉट प्रोसेस से इन्वेस्ट करोगे तो वो जो एक आप वो, क्योंकि बहुत बार ये पाया जाता है कि जब मार्केट गिरता है एट दैट टाइम एवरीवन गेट्स जिटरी, एंड ड्यूरिंग सच टाइम्स ऑलवेज दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस हेल्प्स यू टू स्टे पुट, स्टे अलोंग एंड बी इन्वेस्टेड फॉर योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. राइट. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत सारे हमें नॉलेजेबल थॉट्स मिले हैं और पॉइंट ऑफ एक्शंस भी मिले हैं. उम्मीद करता हूँ हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, वो ज़रूर इन बातों को ध्यान में रखेंगे और खूब सारी वेल्थ क्रिएट करेंगे. थैंक यू वेरी मच. उम्मीद करता हूं आपने पूरे एपिसोड को एंजॉय किया और इस एपिसोड की समरी भी एज यूजुअल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. ये समरी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक करिएगा और आप सुनिए सारे के सारे वो समरी पॉइंट्स जो हमने सीखे इस पर्टिकुलर एपिसोड में. सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि आपके लिए वेल्थ क्रिएट कौन करता है, मार्केट्स नहीं करती हैं, कंपनीज करती हैं. तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन कंपनीज के अंदर, वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेंगी, ना कि मार्केट आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगी. दूसरी चीज जो मैंने सीखी, शॉर्ट रन में मैक्रो इकोनॉमिक मिक्स के वेरिएबल्स की वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आती रहे, मार्केट इधर उधर जा सकती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ऐसी चीजों से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए. तीसरी चीज उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखी होगी इस पर्टिकुलर एपिसोड से कि ये जो कंपनीज फोकस करते हैं वो दो बातें देखते हैं, नंबर 1 क्वालिटी एंड नंबर 2 ग्रोथ.
अगर क्वालिटी कंपनीज में आप पैसा लगाते हैं और उन कंपनीज की रेगुलर ग्रोथ होती रहेगी तो डेफिनेटली उस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे, कैश फ्लोज बढ़ेंगे एंड अल्टीमेटली वो कंपनीज जो है इन्वेस्टर्स को बहुत सारा वेल्थ क्रिएट करके देंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने सीखी वो ये कि ऐसी कंपनीज जो B2C सेक्टर में है यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर सेक्टर में है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं इन कंपैरिजन टू दी कंपनी जो B2B सेक्टर में काम कर रही हैं। जैसे कि कल को अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है या इन्फ्लेशन की वजह से कुछ भी और चीज़ें जो है वो आती हैं तो वो सीधा सीधा बर्डन कंज्यूमर से पास ऑन कर सकती हैं और इस वजह से उनके कंसिस्टेंट कैश फ्लोज और कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है वो बने रहेंगे विच विल अल्टीमेटली लीड टू वेल्थ क्रिएशन। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मुझे ये पता चला कि इंडिया की इकॉनमी जो है वो बाकी वर्ल्ड इकॉनमी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें बाउंस बैक करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है और वो ज़्यादा वोलेटिलिटी को जो है वो झेल सकती है। अगर सीधे शब्दों में बात करूं तो इंडिया में रिसेशन आने के चांसेस इन कंपैरिजन टू अदर इकोनॉमीज थोड़े से कम हैं। आई होप गाइज आपने इस समरी को एंजॉय किया तो मत भूलिए कि अगले हफ्ते हम फिर आएंगे म्यूचुअल फंड की बात ग्रो के साथ में। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आप तक पहुंचे तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करें और आपके लिए और क्वालिटी कॉन्टेंट बना पाएं। विद दिस नोट गाइज थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.